नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मी 10i के टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके फीचर्स के बारे में। मी 10i में आप लोगों को देखने को मिल जाता है मी UI 12 और इसके अंदर में फीचर्स भरे पड़े हैं। बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ मैं। ऑलमोस्ट 50 से 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है, लेकिन मैं डैम श्योर हूँ कि 50 से 60 प्लस यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। और सारे फीचर्स को जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैं मोस्टली 30 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, और सेकंड पार्ट में और 30 फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो और ज़्यादा बोरिंग और लंबा वीडियो भी ना हो। तो चलिए दोस्तों, देर न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं चलिए कुछ कमाल के फीचर्स से। ये जो फ़ोन है ये बेसिकली कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पे कैमरा रिलेटेड काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि ये MIUI वाले दूसरे डिवाइसेस में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये जो कैमरा UI है, कैमरा UI कुछ इस तरह से है, ऐसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ में मोड में आएंगे तो काफ़ी सारे फीचर्स आप लोगों को, काफ़ी सारे मोड्स आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। मोड्स में यहाँ पे जो अच्छे मोड्स लगे मुझे यहाँ पे है क्लोन का फीचर। एक पर्सन का 2-3 फोटो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक सैंपल सा दिखाया गया है। इस तरह से आप लोग एक ही पर्सन का एक ही जगह पे 3 फोटो एक साथ में कैप्चर कर पाएंगे। सिमिलर वे में वीडियो भी आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। एक ही पर्सन का 2 तरह का वीडियो आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं था, तो मैंने खुद के हाथों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हाथ एक ही हाथ है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथों पे नाखून पे कुछ चोट था, तो दोनों ही हाथों में चोट आप लोग देख पाएंगे। और सेम जगह पे आप लोग देख सकते हैं 2 मेरे सेम हाथों का यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। इसी तरह से आप लोग सेम जगह पे सेम पर्सन का 2 वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। फोटो भी मैंने कैप्चर किया है, देख सकते हैं सेम हाथ का 2 अलग अलग फोटो है एक ही जगह पे, सेम ऑब्जेक्ट का 2 फोटो है। और ये क्लोन फीचर के साथ आप लोग ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को डुअल वीडियो मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से क्या होगा, एक फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों एक साथ में वीडियो यहाँ पे कैप्चर करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेम टाइम में रियर और फ्रंट कैमरे से वीडियो कैप्चर हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक वीडियो कैप्चर किया था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये जो वीडियो है, देख सकते हैं फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा एक ही साथ में दोनों के साथ वीडियो वगैरह कैप्चर हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा और यूनिक एक पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं अपने वीडियोस में। साथ ही में यहाँ पर आप लोग वो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग मूविंग क्राउड, नियॉन ट्रेल्स, ऑयल पेंटिंग इस जैसे फोटोज काफ़ी अच्छे कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। और उसी तरह से वीलॉग का एक फीचर दिया गया है। वीलॉग के मदद से अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे अपने वीडियोज़ में। 4-5 वीडियोज़ को आप एक साथ में कैप्चर करके ऐसे ट्रांजिशन लगा के वीडियो वगैरह एडिट कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आप लोग ऐसे कैप्चर कर सकते हैं और उसमें ये ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी कूल लगता है। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे इनिशियल में जो बी रोल होता है उसमें आप लोग ऐसे ट्रांजिशन लगाएंगे तो आपका जो वीडियो है काफ़ी प्रोफेशनल यहाँ पे लग सकता है, अगर आप फ़ोन से भी शूट कर रहे हैं तो। और यहाँ पे बाकी और भी कुछ फीचर्स है जो उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ये सब फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊँगा। और गैलरी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कमाल का एक और फीचर मिलता है। चलिए मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाता हूँ, एकदम सिंपल सा फोटो है, देखते हैं एकदम सिंपल सा फोटो है। क्लाउड जो है एकदम ही डल है, कोई भी क्लाउड्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस फोटो को आप काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं यही से। इस फोन में एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको एक स्काई का फीचर मिलता है, जिसके अंदर में आप ये जो स्काई है स्काई को काफ़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये लगता भी कि नहीं है कि ये डुप्लीकेट या फिर कोई अलग से लगाया गया है। और आप इसका जो इंटेंसिटी है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, ताकि आपके फोटो के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल और एडिटेड फोटो के अंदर आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बहुत सारे क्लाउड्स हैं, सिर्फ क्लाउड्स ही नहीं, यहाँ पर ट्वाइलाइट का फीचर, सनसेट, ये सब फीचर भी दिए गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इफेक्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और इस बार यहाँ पे कुछ वीडियोस भी डाले गए हैं, यानी कि वीडियो बैकग्राउंड भी आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे फायरवर्क्स का
देख सकते हैं सेम बैकग्राउंड में आपका फायरवर्क्स हो रहा है नाइट के टाइम में और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मिल्की वे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिल्की वे में कैसा लग रहा है वीडियो बैकग्राउंड और देखने में कमाल का लग रहा है। साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे रेन हो रहा है तो उसका भी यहाँ पे वीडियोज आ रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। तो इस तरह के आप लोग छोटे मोटे वीडियोज को एडिट करके अपना स्टेटस में लगा सकते हैं और देखने में जो कमाल के लगते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो फोटो है, फोटो को मैंने वाटरमार्क ऑन करके कैप्चर किया था तो शॉट ऑन मी 10i यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अगर आप बाद में इसको हटाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एडिट में जाने के बाद देख सकते हैं ऊपर में आपको रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको क्लिक कर देंगे तो आपका वाटरमार्क जो है रिमूव हो जाएगा। और एक काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर मिलता है जो कि इरेज का। मान लीजिए फोटो में कोई अननेसेसरी ऑब्जेक्ट आ गया है जिसको आप बाद में डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इरेज जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक जो पत्ता है ऊपर से आ रहा है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको मार्क कर दूंगा और देख सकते हैं ये यहाँ से गायब हो गया है। छोटा सा चीज़ था इसलिए नोटिस नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ये जो केबल है इसको हटा देता हूँ। देख सकते हैं केबल पूरा यहाँ से हट गया है और थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आपको एक क्लीन इमेज मिलेगा और कुछ भी चीज़ आपको हटाना है तो ईजिली आप हटा सकते हैं वहाँ से। और ये जो एडिटर है एक फुल फ्लेज्ड एडिटर है तो यहाँ पे आप लोग अपने फोटोज़ को भी काफ़ी अच्छे से एडिट कर पाएंगे। और दोस्तों कैमरे में आप लोगों को एक और चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे आप लोगों को रॉ फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है। जो लोग फोटोग्राफी के अंदर है उन लोगों को रॉ फोटो का जो इम्पोर्टेंस है वो पता है कि रॉ फोटो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर आपको रॉ फोटो कैप्चर करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रो मोड में जाना पड़ेगा और उसके बाद ये जो 3 बार है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे रॉ का ऑप्शन दिया गया है तो आप रॉ फोटो को इनेबल यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन ड्रॉअर मिलता है ये Xiaomi का ओल्ड नोटिफिकेशन ड्रॉअर है, लेकिन अगर आप इसको नया नोटिफिकेशन ड्रॉअर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले सेटिंग के अंदर और वहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन। वहाँ पे आपको जो न्यू कंट्रोल सेंटर है उसको इनेबल करना है यूज न्यू कंट्रोल सेंटर करके, और उसके बाद आप देखेंगे तो कंट्रोल सेंटर जो है पूरा न्यू बन गया है और यहाँ पे देखने में काफ़ी कूल यहाँ पे लगता है। और इस कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे हाइड नॉच का फीचर आपको मैप मिलता है। हालांकि छोटा सा पंच होल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नॉच नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी ये पसंद नहीं है तो आप इसको टोटली ऑफ कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑफ हो गया है और ऊपर में यहाँ पे टाइम वगैरह दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप उसको भी टोटली ऑफ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर का पोर्शन जो है पूरा ब्लॉक हो जा रहा है, तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ में कनेक्शन स्पीड शो करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन दिया गया है, अंदर में ऑप्शन रहता है लेकिन अगर आप चाहिए तो साइड में भी आप कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ईजी रहता है। सिस्टम वाइड डार्क मोड का फीचर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर डार्क मोड को एनेबल कर सकते हैं। और ये सिस्टम वाइड डार्क मोड है इसलिए पूरा फोन के अंदर डार्क मोड बन जाएगा, नोटिफिकेशन ड्रॉअर से लेके ऐप से लेके सब में आपका डार्क मोड यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और देखने में काफ़ी कूल लगता है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे डार्क मोड में भी रख सकते हैं। होम स्क्रीन के अंदर कुछ सेटिंग्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। 2 फिंगर्स ऐसे पिंच करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप एक साथ मूव करने का ऑप्शन या फिर डिलीट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 फिंगर से पिंच करने के बाद अगर आपको 4-5 ऐप को एक साथ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उनको ग्रुप में यानी कि एक फोल्डर में बना सकते हैं, या फिर रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी दूसरे पेज में मूव करना है तो आप एक साथ ड्रैग करके आप यहाँ पे दूसरे पेज में मूव करके छोड़ सकते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलता है, जैसे ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए गए हैं, जो होम स्क्रीन ट्रांजिशंस हैं उनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो। उसके बाद आपको होम स्क्रीन लेआउट 4x6 से 5x6 करने का ऑप्शन मिलता है, और उसके बाद लॉक होम स्क्रीन लेआउट आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप होम स्क्रीन लेआउट को अपने हिसाब से सजा के रखना चाहते हैं और उसके बाद कोई भी दूसरा पर्सन यहाँ पे ऐसे हटा देता है, कोई बच्चा है वो हटा देता है, डिलीट कर देता है, ये सब करता है, तो उस चीज़ों से आप बच सकते हैं होम स्क्रीन लेआउट को लॉक करके। देख सकते हैं अभी मैं किसी भी ऐप को यहाँ से हटा नहीं पाऊंगा क्योंकि होम स्क्रीन लेआउट जो है लॉक करके रखा है। होम स्क्रीन को आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर और ऐप ड्रॉअर। अगर आपको ऐप ड्रॉअर यूज करके बोर हो गया है तो आप रेगुलर में स्विच कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग रेगुलर मोड में हैं और आप ऐप ड्रॉअर चाहते हैं तो विथ ऐप ड्रॉअर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे रिसेंट मेनू के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे रैम स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये नहीं दिखाता है। तो अगर आपको उसको एनेबल करना है तो ये होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आने के बाद शो मेमोरी स्टेटस, इसको आपको एनेबल करना है। इसको एनेबल नहीं करेंगे तो आपका रैम स्टेटस नहीं दिखेगा। ब्लर ऐप प्रीव्यूज भी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि रिसेंट मेनू में देखेंगे तो यहाँ पे ऐप का प्रीव्यू यहाँ पे दिखता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कुछ ऐप का प्रीव्यू ना दिखे तो आप उसको ब्लर कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कैमरा का ऑलरेडी ब्लर होके रखा है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी ऐप का ब्लर करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम का अगर मैं ब्लर करना चाहूँगा तो कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे गूगल क्रोम जो है उसका प्रीव्यू में ब्लर दिखा रहा है, यानी कि क्या चल रहा है क्रोम के अंदर वो नहीं दिखेगा जब तक ऐप ओपन नहीं होता है। दोस्तों इस बार जो मेनू का ऑप्शन दिया गया है, मेनू के अंदर सारे ऐप्स आपको एक साथ में मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपका ऐप कैटेगरी वाइज डिवाइडेड भी है, तो आप यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से ऐप को चूज कर सकते हैं कहाँ पे आपको किस ऐप को देखना है। और यहाँ पे ये जो मेनू सिस्टम है, मेनू के अंदर देख सकते कुछ सेटिंग्स भी दिए गए हैं। स्क्रॉल बार को आप चेंज कर सकते हैं, ए टू जेड में कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ए टू जेड आ गया है, जिसके मदद से पर्टिकुलर किसी लेटर के अंदर आपको अगर ऐप देखना है तो वो आप इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड को आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट अगर आप बनाना है तो आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। अगर आपको डार्क रखना है तो डार्क कर सकते हैं, लाइट करना है तो आप लाइट करके रख सकते हैं। ऐप कैटेगरीज अगर आपको मैनेज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीलोडेड दिए गए हैं, इनको चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं और अपना खुद का कस्टम यहाँ पे डाल सकते हैं। मेन्यू के अंदर लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी भी ऐप को तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आपको ऐप ओपन किए बिना ही अंदर में जाके आप कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ कुछ ऑप्शंस दिए गए जिनको एक्सेस करने के लिए आपको ऐप को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सेंटर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी स्कैनर की आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल के डेट में हमें QR कोड स्कैन करना रहता है कभी कभी, तो QR कोड आप यहाँ से इजीली स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और PDF बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड के बाजू में डॉक्यूमेंट स्कैन करने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजना है किसी को तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की तरह ही काम करता है ये डॉक्यूमेंट स्कैनर। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है, डायरेक्टली यहीं से आप फोन का जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करना चालू कर सकते हैं और कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डार्क मोड को यहीं से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ करना है तो आप यहां से ऑफ कर सकते हैं। यहां पे नियर बाय शेयर का ऑप्शन दिया गया है, नियर बाय शेयर काफ़ी अच्छा फीचर है। किसी भी फोटो या वीडियो को आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के बिना ही इजीली शेयर कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे ये फोटो या वीडियो को शेयर करना है तो मैं यहाँ पे शेयर में जाके नियर बाय शेयर के साथ शेयर कर सकता हूँ। नियर बाय शेयर को मैंने चालू कर दिया है और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा जो फ़ोन है, देख सकते हैं मेरा दूसरा फ़ोन यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इसको टैप करूँगा और यहाँ पे दूसरे फ़ोन के अंदर मेरा जो वीडियो है वो जल्दी आ जाएगा, कोई भी बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप के। देख सकते हैं जल्दी यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे आप काफ़ी आसानी से फाइल्स, फोटोज, वीडियोज वगैरह ट्रांसफ़र ईजिली कर पाएंगे। और अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देख सकते हैं अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप ऑन करेंगे तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको बैटरी सेव होगा। अभी जैसे दिखा रहा है 200 आवर्स का रिमेनिंग टाइम है, यानी कि लिटरली आप 200 आवर्स तक अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड के अंदर, और फिर भी यहाँ पे 50% का बैटरी है। दोस्तों इस फोन का जो कैलकुलेटर है काफ़ी कमाल का कैलकुलेटर है। नॉर्मल कैलकुलेटर तो है ही, साथ ही में साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है तो वो आप एक क्लिक से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर बन के आ गया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे डेटा आपको अगर चेक करना है कितने MB में कितना किलोबाइट या कितने GB है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। BMI आप चेक कर सकते हैं अपने बॉडी का, हाइट और वेट लगा के आप अपना BMI चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा यहाँ 59 वेट है और 168 यहाँ पे हाइट है, तो मैं अपना BMI चेक करूँगा जो है 20.9, जो है नॉर्मल। अगर आप ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है तो आप यहाँ पे अपना BMI डाल के चेक कर सकते हैं हाइट और वेट की मदद से। उसी तरह से आप यहाँ पे डिस्काउंट, परसेंटेज, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। साथ ही में करेंसी कन्वर्जन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है,
तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कितने डॉलर में कितना INR होता है, वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कैलकुलेटर की मदद से। दोस्तों इस फोन के अंदर में आप लोगों को वीओ वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर आएंगे और उसके अंदर में सिम को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे में मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई। दोस्तों इस फोन के अंदर वीडियो वॉलपेपर का फीचर आप लोगों को मिल जाता है। कोई वीडियो को अगर आप चाहे तो यहाँ पे एज ए वॉलपेपर सेटअप करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वीडियो है, मैं इसको सेट एज वॉलपेपर करूंगा, सेट एज वीडियो वॉलपेपर करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पोर्शन है वीडियो का, एक्चुअली जो लैंडस्केप मोड में खींचा गया वीडियो है तो थोड़ा सा पोर्शन ही दिख रहा है। अगर मैं टॉल एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करूँ तो उस तरह से यहाँ वीडियो दिखेगा और मैं उसको एज ए लॉक स्क्रीन या फिर एज ए होम स्क्रीन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने एज ए लॉक स्क्रीन अप्लाई कर दिया है और देख सकते हैं अभी वीडियो लॉक स्क्रीन यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अगर आपको इंटरनल वीडियो को नहीं करना है तो आप कोई भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलपेपर सेक्शन के अंदर जाके आप यहाँ पे वीडियो वॉलपेपर वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ वीडियो वॉलपेपर यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कुछ भी डाउनलोड करके आप अपने लॉक स्क्रीन में या होम स्क्रीन में लगा सकते हैं। और यहाँ से थीम में अगर आ ही गए तो थीम के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थीम के अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। पूरा थीम आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं, इनमें से आप कुछ भी अपना डाउनलोड करके अपने फ़ोन को लुक को टोटली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फॉन्ट्स पूरा चेंज कर सकते हैं फ़ोन का, देख सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आप किसी को भी डाउनलोड करके अपने फ़ोन का फॉन्ट जो है पूरा चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का फीचर तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर भी मिलता है। किसी भी ऐप को अगर आप फ्लोटिंग विंडो में करना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर आप चाहे तो ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो का आइकन आपको दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये आइकन डिजेबल है, यानी कि ये जो ऐप है इसमें फ्लोटिंग विंडो सपोर्ट नहीं करता है। तो दूसरा कोई ऐप को आप यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये जो ऐप है फ्लोटिंग विंडो को सपोर्ट करता है। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में ये जो फोन है, ये जो ऐप है, ये आ गया है। और अगर आपको इसको साइड में हटाना है तो आप ऐसे करके साइड में करके रख सकते हैं और दूसरा कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, और दोबारा अगर उस ऐप को यूज करना है तो वो ऐप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन मोस्टली स्मार्टफोन्स में आपको एक ही फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि सिर्फ आप एक ही फेस डेटा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फेस वन आप देख सकते हैं, लेकिन इस फोन में आप लोग मल्टीपल फेस डेटा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फेस वन और फेस टू दो फेस डेटा लगा के रखा है। तो यहाँ पे दो पर्सन का आप लोग फेस डेटा लगा सकते हैं और दोनों फेस अनलॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इस फोन को पावर बटन प्रेस किए भी नहीं आप लोग वेक कर सकते हैं दो तीन तरह से। एक है रेज टू वेक, जिससे आप फोन को हाथ में उठाते हैं तो ऑटोमेटिक वेक हो जाता है। और सिमिलर वे में यहाँ पे और भी एक फीचर है डबल टैप टू वेक, ये भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, इसको आप ऑन कर सकते हैं सेटिंग के अंदर जाने के बाद। सेटिंग के अंदर जाने के बाद लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है और यहाँ पे रेज टू वेक डबल टैप टू वेक आप इसको ऑन करके रख सकते हैं, जिससे आपका फोन डबल टैप से वेक और डबल टैप से स्लीप भी हो जाएगा। और फोन को ऑन किए भी नहीं आप लोग कैमरे को झट से ऑन कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो वॉल्यूम डाउन बटन को जल्दी से तीन बार प्रेस करना है आपको, और देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा झट से ऑन हो गया है। तो ये भी आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ऑन कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन में दोबारा जाना है और यहाँ पे लॉन्च कैमरा वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है आपको, डबल प्रेस करना है और उससे आपका कैमरा जल्दी से ऑन हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंटरेस्टिंग फीचर्स बताने की कोशिश किया है, सेकंड पार्ट को भी देखना ना भूले क्योंकि सेकंड पार्ट में और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा फोन को यूज करने के लिए, जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मिलते हैं ऐसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।